गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग एविबडी कैसे हैं आप सभी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं उन्नीस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है ऑडियो वीडियो क्लियर है प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आपके सीमेंट का पूरा थ्योरी एंड 2022 हज़ार बाईस में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर कर लिए हैं और होप्स आपको अच्छे लगे हुई क्लास तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई कैसे कैसे आ रहे हैं क्या हो रहा है ठीक है आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज लाइम एंड मोटा क्योंकि यदि मैं आपको कॉन्क्रीट पढ़ाऊंगा तो उससे पहले आपको लाइम के बारे में पता होना चाहिए कि लाइम का क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एंड हाउ टू बी डिफरेंट फ्रॉम सीमेंट ये सीमेंट से किस तरह से अलग है मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं उससे पहले आपका मोटिवेशन यही है कि हमको नंबर लाना है एवर एग्जाम की वेबसाइट पे एवर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे हमारा फोटो लगना चाहिए और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और रोज रोज के गोल डिसाइड करने पड़ेंगे जैसे मैंने कर रखे हैं ठीक है तिके? कि आपको आज लाई मोटा पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा ऐसे ही आप कर सकते हैं बात करते हैं यहाँ पे दूसरा ऑफर आज रात बारह बजे के बाद ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे जो विद बुक के साथ प्राइस है वो टू थ्री डबल नाइन है इसमें वन ईयर की वैलिडिटी है और काफ़ी कुछ मिल रहा है आर सी सी हो चुका है और अब सोम और सोयल स्टार्ट होंगे यदि आप चाहते हैं कि हमको बुक की जरूरत नहीं है हमारे पास बहुत सारी बुक है भंडारा बुक का तो आप सिर्फ कोर्स परचेज कर सकते हैं जो प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करेगा ठीक है साथ ही पेज में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको पता चल जाएगा चलते हैं टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लाइम बात करते हैं कि लाइम होता क्या है देखो यदि मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मुझे काफी कम मिले हैं दो से तीन क्वेश्चन ही आए हैं अब तक ठीक है इस वाले टॉपिक से लाइम और मोटार से दो से तीन क्वेश्चन ही आए हैं बाईस तेईस दोनों को मिला के लेकिन लाइम और मोटार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं अच्छा टॉपिक है और काफी कुछ लोग इसमें छोड़ देते हैं जब पढ़ते हैं जब पढ़ाते हैं बहुत सारी चीज छोड़ देते हैं और वहीं से पूछ लेगा इस बार क्वेश्चन तो हमें मैक्सिमम चीजें कवर करके इसको चलना है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बात करते हैं लाइम बनता कैसे है तो दिस इज अ कैल्सिनेशन प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास एक स्टोन की फॉर्म में पाया जाता है इसको हम बोल देते हैं कि दिस इज कॉल्ड द लाइम स्टोन ये लाइम स्टोन की हम रिएक्शंस करते हैं मतलब कैल्सिनेशन करते हैं मतलब गर्म करते हैं तो वहां से सीओ टू गैस निकलती है और साथ में बनता है एक लाइम जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है सी ए ओ दैट इज कॉल ऑक्ड इसी को हम लाइम के नाम से जानते हैं और ये लाइम कौन सा होता है क्विक लाइम होता है क्योंकि तो क्या होता है इस क्विक लाइम के अंदर पानी की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है साथ में ये पानी सेक्शन करके बना देता है हाइड्रेटेड लाइम इसलिए हम इसको क्विक लाइम के नाम से जानते हैं ये जो आपके पास यहाँ पे लाइम बना ये हमेशा प्योर क्वांटिटी का बनता है मतलब दैट मीन्स कि इसके अंदर जो लाइम स्टोन या कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज होता है वो आपकी बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेंट वॉटर एज कम्पेयर टू द क्ले पार्टिकल्स इसलिए हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द प्योर लाइम तो सी ए आपका प्योर लाइम पाया जाता है इसी से ये मिलके बनेगा दूसरा हम बात करते हैं जो क्विक लाइम है उसके अंदर पानी की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है मतलब बहुत ज्यादा पानी के साथ रिएक्शन कर देता है मतलब तड़पा हुआ एकदम से पानी के लिए तो ये सी ए ओ जैसे ही आपके पानी से रिएक्शन करता है तो स्लैकिंग करता है स्लैकिंग का मतलब ये होता है कि पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद कितना चेंज हुआ कितना वॉल्यूम चेंज करा दैट इज अ स्लैकिंग प्रोसेस ये स्लैकिंग करता है और आपका बनाता है लाइम लाइम हम हाइड्रेटेड भी बोलते हैं इसके अंदर स्वेलिंग कंडीशन देखने को मिलती है देखो एक होता है स्वेल करना ठीक है और एक होता है सेट करना इन दोनों में अंतर है स्वेल करने में वो अपनी प्लास्टिटी को लूज नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स कि उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे

देखो सब कुछ इनफ होगा देखो बीच में डिस्टर्ब करोगे तो क्लासेस बड़ी हो जाएंगी और बड़ी क्लासेस को देखने का मन किसी का नहीं होता है ना तुम्हारा होगा ना मेरा होगा इसलिए बिल्कुल काम होकर सुनते जाइए क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल्स है ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन रटना पड़ेगा रिविजन करना पड़ेगा और मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ के आता हूँ इनसे घिरा रहता हूँ बुक से और जो उसमें से बेस्ट कॉन्टेंट है वो आपको निकाल के लाता हूँ किसने ये छोड़ दिया किसने वो छोड़ दिया हम कुछ नहीं छोड़ेंगे मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे तो बस उसको रिवाइजन करना है ठीक है बहुत सारा रिविजन करना है थीके? बस ये काम ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं करना क्लियर है तो सबके लिए बढ़िया रहेगा बस आपको करते रहिए इस चीज़ को क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में या कालू भैया का वादा है कि क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में ठीक है क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ लोग बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़ाइए या एग्जाम ओरिएंटेड मत रहिए अरे फिर क्या किसके ओरिएंटेड रहें इसके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड ना रहें तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत जरूरी है चलिए बात करते हैं फैट लाइम लाइम्हाइट लाइम प्योर लाइम रिच लाइम हाई लाइम हाई कैल्शियम लाइम ये मतलब ये ऐसा मान लो कि अवनीश सरन का घर का नाम कालू है तो ये बहुत एक नाम है नाम अनेक है पर काम एक है दैट इज कॉल्ड द फैट लाइम 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 प्योर रिच हाई कैल्शियम ध्यान रखेंगे जो ये प्योर लाइम होता है इसमें जो परसेंटेज ऑफ लाइम होता है वो नाइनटी परसेंट से ज्यादा पाया जाता है लाइम की बात कर रहा हूं मैं और जो बचा हुआ पार्ट है वो होता है क्ले क्योंकि देखो क्या होगा क्ले के साथ रिएक्शन करके ही ये अपने अंदर हाइड्रोसिटी प्रोड्यूस करेगा समझते हो हाइड्रोसिटी क्या होती है हाइड्रोसिटी का मतलब यही होता है कि बाद में जब ये जमेगा पानी पानी मिलाने के बाद जब ये हार्डन होगा तो उसको प्रोसेस को हम हार्डलोसिटी बोल देते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास क्ले कंटेंट होता है वो पांच से दस परसेंट पाया जाता है जितना क्ले कंटेंट कम होगा उतना ही आपका रिच लाइम होगा ये बात आपको ध्यान रखना है यहां पे स्लेकिंग प्रोसेस देखने को मिलता है क्योंकि ये सीधा आपका पानी से रिएक्शन कर जाता है भाई क्ले कंटेंट कम है सीधा पानी को एब्सोर्ब करेगा और बहुत सारा वॉल्यूम चेंज कर देगा इसीलिए यहां पे स्लेकिंग प्रोसेस देखने को मिलता है और वॉल्यूम टो से टू पॉइंट फाइव टाइम्स इंक्रीज कर जाता है तो ये क्या होगा ये बहुत धीरे धीरे जमेगा जितना पानी ज्यादा उतना देर में जमेगा वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा तो ये बहुत स्लोली स्लोली जमना स्टार्ट करता है इसलिए हम उसको ऐसी जगह यूज नहीं करेंगे जहां पे बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आपको वहां पे ये यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो ये बहुत देर में जमेगा बहुत सालों में जमेगा ठीक है तो ये प्योर फॉर्म होता है और जब भी आपसे पूछा जाए कि कि भाई इसकी जो अपेरेंस है वो कैसी है जितने भी प्योर लाइन पाए जाते हैं वो दिखने में वाइट कलर के होते हैं चमकदार एकदम तो, तो दैट इज प्योर वाइट कलर में आपको देखने को मिलेगा तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं प्लास्टिंग करने के लिए वाइट वॉशिंग करने के लिए घरों में जो दिखता अच्छा है उन सब के लिए इसको यूज किया जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है इसी को हम व्हाइट लाइम के नाम से जानते हैं दूसरा होता है हाइड्रोलिक लाइम इसको हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं स्लैकड लाइम भी बोलते हैं जो किससे मिलकर बनेगा जो आपका बनेगा सी एच के होल्ड वाइस से मिलकर बना होता है यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे लाइमस्टोन स्टोन इम्प्योर फॉर्म में पाया जाएगा इम्प्योर प्योर क्या होता है उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो प्योरिटी रेंज है वो नाइनटी टू वन तो पाई जाती है लेकिन आपका जो लाइम स्टोन ही नहीं होगा और डिफरेंट टाइप के का होता है साथ में जो क्ले कॉन्टेंट है उसकी रेंज को हम बढ़ा देते हैं पहले क्या थी आपके पास पांच से छह परसेंट थी लेकिन यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे दस से तीस परसेंट के बीच में पाई जाती है ठीक है ये जो लाइम है ये सीधा पानी से रिएक्शन करता है और

आपके लाइम के अंदर पानी का रिएक्शन होने के बाद जो जमना है जो पानी के रिएक्शंस होना है उसी प्रोसेस को हम हाइड्रोलोसिटी के नाम से जानते हैं जैसे कल को आप कंकर को जला दो कंकड़ का नाम तो सुना होगा आपने कक्कड़ नहीं ठीक है कंक अच्छा कक्कड़ ही लिख दिया कंकड़ जो होते हैं उसको जलाओगे तब भी आपके पास क्या होती है हाइड्रोलोसिटी होती है बात करते हैं इसको हम बेसिकली वहां पे यूज करेंगे जहां पे स्ट्रेंथ जाइए और आपके सीमेंट को जल्दी जमाना है इसलिए हम इसको मैशनरी वर्क के लिए यूज करते हैं फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या इस वाले लाइम को हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज नहीं कर सकते क्या प्लास्टिक के लिए यूज नहीं कर सकते क्या ना बाबा ना क्योंकि तो बेसिकली ये व्हाइट कलर के नहीं होते हैं ग्रे कलर के देखने को मिलते हैं तो फिनिशिंग में खराब दिखेंगे बिल्कुल व्हाइट फिनिशिंग नहीं दिखेगी और बाद में जब आप इस पर आप पेंट करेंगे तो पेंट के साथ कुछ कुछ ना रिएक्शन कर सकता है इसीलिए हम यहाँ पे इसको यूज नहीं करते हैं फिनिशिंग वर्क के लिए अब यदि मैं हार्ड लाइम की बात करूं तो हार्ड लाइम को हमने छह कैटेगराइज किया है सिक्स पार्ट में कैटेगराइज किया है और यहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कुछ लाइम ऐसे होते हैं जो पानी के साथ तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं और उसके बाद जो इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास वाटर रेजिस्टेंट रहेंगे जैसे सबसे फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं क्लास ए जो क्लास ए है मेरे पास वो इमोशनली हार्ड लाइम होते हैं इसको हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल परपज के लिए मतलब तुरंत पानी से रिएक्शन करेगा और वाटर रेजिस्टेंट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो बना देगा दूसरे होते हैं सेमी हार्ड लाइम मतलब तुरंत रिएक्शन नहीं करते थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बनाया जाता है इसको हम यूज करते हैं बेसिकली मोटार बनाने में लाइम कॉन्क्रीट में बनाने में अंडर में इसको यूज करते हैं क्लास थ्री में आपका फैट लाइम होता है जो आपके पास वाटर से रिएक्शन पहले करने से पहले का प्रोडक्ट That is the और इसी को हम वॉशिंग, प्लास्टिंग फिनिशिंग कोड के लिए यूज करते हैं और साथ में ध्यान रखेंगे यूज कर सकते हैं जब आप ये यूज करेंगे तो यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग कर सकते हैं और पोज़लोना को साथ में एड करते हैं जिससे कि श्रेंके से बचा जा सके क्लास डी में आपके पास क्या आते हैं मैग्नीशिया डोलोमाइट आता है ये यूज किया जाते हैं आपके पास फिनिशिंग और प्लास्टिक कंडीशन के लिए कंकर्ड लाइन जो आपके लाइम के अंदर हार्डलोसिटी प्रोड्यूस करता है वो कंकड़ लाइम होता है इसको हम मोटार बनाने में यूज करते हैं ये आपको ध्यान रखना है फिर हम बात करेंगे सिलेसियस देखो डोलोमाइट दो तरह के एक तो इसमें मैग्नीशिया कंटेंट ज्यादा हो 80 टू 85 फाइव परसेंट मैग्नीशिया पाया जाए तो उसको हम मैग्नीशियम लाइम के नाम से जानेंगे या फिर डोलोमाइट लाइम के नाम से जानेंगे दूसरा यदि इसमें सिलेसियस कंपाउंड ज्यादा पाया गया मतलब 80 परसेंट से ज्यादा आपका स्लेसिस कंपाउंड है तो उसको हम स्लेसिस डोलोमाइट लाइम बोलते हैं और ये क्लास एफ में पाए जाते हैं इनका यूज होता है अंडर कोट बनाने में डिफरेंट टाइप के आप जो कोट बनाते हैं उसमें वो फिनिशिंग करने में, प्लास्टिंग करने में इसको यूज कर सकते हैं बात करते हैं पुअर लाइम इम्प्योर लाइम लीन लाइम जैसे मैंने रिच लाइम के बारे में बात करी और मैंने आपसे ये बोला कि रिच लाइम वो लाइम होते हैं जिसमें आपके पास नाइनटी से ज्यादा लाइम पाया जाए प्योर फॉर्म में लाइम पाया जाए क्ले कॉन्टेंट कम हो यदि मैं बात करूं आपसे इंप्योर फॉर्म में तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो क्ले कंटेंट है वो आपके पास 30 परसेंट से ज्यादा पाया गया यदि आपके लाइम के अंदर क्ले कंटेंट 30 परसेंट से ज्यादा पाया गया तो आपको इम्प्योर लाइम मिलेगा ठीक है और लाइम डस नॉट स्लैक सेट वेरी स्लोली पस इज अर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इन मडी व्हाइट कलर हैंड इज जनरली यूज फॉर द इनफीरियर क्वालिटी यदि आप इस पर यूज करेंगे तो आपको पता है कि भैया ज्यादा वाटर कंटेंट है तो बहुत देर में जमेगा और बहुत देर में जमेगा तो इसको हम मैक्सिमम जगह यूज नहीं कर पाएंगे तो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं ब्रिक वर्क कंडीशन में फाउंडेशन में कहीं पे कोटिंग करनी है वहां पर इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइम लाइम बनता किस किस्से पहले आपको ये समझना है क्ले आपके लाइम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये आपके लाइम के अंदर हार्ड्रोलोसिटी देता है हार्डोसिटी का मतलब सिंपल ये होता है कि जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो बाद में कितने रेट से हार्डन होगा ये हार्डलोसिटी हमेशा आपकी क्ले पे डिपेंड करती है यदि आपके पास क्वांटिटी में क्ले पाया गया तो ये स्लैकिंग प्रोसेस को रोक देगा ठीक है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होने देगा यदि ये आपके पास डेफिशेंसी पाया गया तो ये आपके पास स्लैकिंग कंडीशन को अरेस्ट कर देता है उसकी वजह से श्रिंकेज पैदा हो जाते हैं सिंपल सी बात है पानी ज्यादा रहेगा तब भी श्रिंकेज पैदा होंगे है ना या वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा पानी कम होगा तब भी क्या करेगा थोड़ा बहुत श्रिंकेज तो फिर भी पैदा होंगे गुड लाइम क्ले कंटेंट वो होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि यदि गुड क्वालिटी ऑफ लाइम बनाना है तो उसके अंदर क्ले कंटेंट कितना पाया जा, जाएगा तो बेसिकली 8 से 30% के बीच में यदि क्ले कंटेंट पाया गया तो उसको हम गुड लाइम के कैटेगरीज में डिस्क्राइब करेंगे दूसरा कुछ सोल्यूबल सिलिकेट भी हम इसके अंदर डालते हैं जिससे इसकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी हो सके जैसे कैल्शियम मैगनीशियम एल्यूमिनियम आपके लाइम के अंदर हार्डोलोसिटी के रेट को इंक्रीज कर देता है फिर हम बात करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं जिससे कि आपका जो ये पूरा पूरा लाइम है वो धीरे धीरे जमे फिर आप बोलोगे सर धीरे धीरे क्यों जमे धीरे जमने का मेन कारण ये होता है कि यदि आपने काफी तेज रेट से जमाया तो उसमें बहुत सारे थर्मल क्रैक बन सकते हैं उसको रोका जाता है बात करेंगे सल्फेट्स सल्फेट्स स्मॉल क्वांटिटी में यदि पाया गया तो वो आपके सेटिंग टाइम को इंक्रीज करेगा मतलब ध्यान रखना इस बात को स्लैकिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेटिंग स्लैकिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेटिंग यदि आपके लाइम के अंदर स्लैकिंग हो रही है मतलब वाटर से रिएक्शन कर रहा है जितना हाई रेट से वाटर से रिएक्शन करेगा उतना सेटिंग देर में होगी और जितने कम रेट से करेगा उतना सेटिंग आपकी जल्दी हो जाएगी ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें साफ साफ लिखा हुआ देखो यदि आपके आपके लाइम के अंदर सल्फेट पाया जाता है उसका मेन काम ये होता है कि वो स्लैकिंग के प्रोसेस को रिटार्ड करे उसको कम करे और सेटिंग को इनक्रीज करे यदि वो कम होगा तभी आपकी सेटिंग इंक्रीज होगी ये आपको ध्यान रखना है बात आती है सर लाइम यूज कहां करते हैं लाइम को यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इसको हम फिनिशिंग वर्क के केस के में मोटार बनाने के केस में इन सब में यूज कर सकते हैं वाइट वॉशिंग में यूज कर सकते हैं आपकी सोइल को स्टेबलाइज करने के लिए मान लो कि आपकी सोइल की, की बियरिंग कैपेसिटी खराब हो गई है तो अबमेंट करना पड़ता है आपकी सॉइल को तो वो स्टेबलेशन ऑफ सॉइल भी लाइम से किया जाता है ठीक है यदि आप ग्लास बनाते हो तो लाइम से ग्लास बनते हैं ये आपको पता है और डिफरेंट टाइप के मेटोलॉजिकल ऑपरेशन में भी फ्लक्स का काम करता है आपका लाइम जैसे आप प्लास्टर कर रहे हैं आपने प्लास्टर कभी हाथ में चढ़ाओ पता होगा इसको बिल्कुल सीधा रखने के लिए भी हम लाइम का यूज़ कर लेते हैं ठीक है मैशनरी वर्क के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं अब बात करते हैं टेस्ट फॉर ए लाइम स्टोन एक प्योर क्वालिटी ऑफ लाइम चाहिए तो हमें उसके डिफरेंट टाइप के टेस्ट करने पड़ेंगे तो बेसिकली हम तीन तरह के टेस्ट करते हैं एक हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेक कर लो उसको हीट टेस्ट कर लो उसका एसिड टेस्ट कर लो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये चेक करते हैं कि आपके लाइम का कलर क्या है यदि मैं बात करू, की बात करूं प्योर प्योर की करूंगा तो का कलर हमेशा वाइट होगा जितना होगा उतना ही प्योर होगा जैसे कल को हार्डली लाइम बन जाए या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज ऐड हो जाए तो उसका जो कलर है वो डल हो जाता है जैसे वो ब्लूइश ग्रे कलर का हो जाता है ब्राउन कलर का हो जाता है या फिर डार्क कलर का होना स्टार्ट हो जाता है तो वो चेक करके हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि ये अच्छा लाइम है या फिर ये खराब लाइम है दूसरा हम बात करते हैं हीट टेस्ट हीट टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम आपके लाइम को ड्राई रखेंगे उसका वेट कर लेंगे फिर उसको इनफ्लेम करेंगे मतलब उसको कुछ घंटे के लिए फ्यू आवर्स के लिए जलाएंगे जब इसको जलाएंगे तो उसके बाद जलने के बाद हम चेक करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो कितना है क्योंकि आपको पता है जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्सनेट करते हैं कैल्सियन करते हैं तो उसमें सीओ टू गैस निकलती है और साथ में आपका बनता है सी एओ ठीक है जितना आपका सीओ टू गैस बनेगा उसके हिसाब से हम आपके प्योरिटी को चेक कर लेते हैं कि कितना प्योर लाइम बना और कितना आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकली थर्ड टेस्ट होता है एसिड टेस्ट हम आपके लाइम स्टोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सैंपल में डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सैंपल में डालेंगे डालने के बाद यदि इसके अंदर कुछ टाइम पीरियड के बाद यदि इसके अंदर कुछ रेजिड्यू बचा मतलब मान लो ये आपका एक टैंक है इसमें आपने एच भरा हुआ था इसमें आपने स्टोन इस डाल दिया यदि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रेजिड्यू बचता है तो आपका खराब क्वालिटी का लाइम था यदि कुछ भी नहीं बचता है कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचता है आपके बॉटम पे तो हम बता देते हैं दैट इज अ ग्रेट क्वालिटी यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है स्लैकिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार ठीक है स्लैकिंग का सिंपल सा मतलब यह होता है जब आप अपने लाइम के अंदर पानी की रिएक्शंस कराते हैं कौन से क्विक लाइम के अंदर तो वो अपने वॉल्यूम को चेंज करता है उसी को हम स्लैकिंग बोलते हैं कि भैया रिएक्शंस करते एक high ही एक हाई हीट डेवलप होती है उसकी वजह से वॉल्यूम को चेंज कर जाता है उसी को हम स्लैक बोलते हैं ठीक है वॉल्यूम चेंज करना तो ये आपका एसिड टेस्ट था अब इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो नहीं मिले लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन मिला है जो आपके एग्जाम में आ सकता है उस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आए हैं प्रीवियस ईयर में लाइव मोटार से लेकिन कंटेंट काफी पूछा जा सकता है जो आपके वन लाइन क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से जैसे ये क्वेश्चन है जवाब दीजिए इसका जवाब दीजिए इसका पता आंसर क्या इस क्वेश्चन का बोला क्वेश्चन में आपसे लगता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द अबाउट द लाइन यदि मैं पूछू इनमें से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है कौन सा ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन आपके पास यहां पे इनकरेक्ट है यह आपसे पूछ रहा है तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम डोलोमाइटिक लाइम कंटेन अबाउट 85 परसेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप डोलोमाइटिक लाइम की बात करेंगे जो क्लास डी में आता है

बच्चा हुआ है मेरे पास सी ए जिसको हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं वो यहां पे बनेगा क्विक लाइम यहाँ पे बनता है क्लियर है तो ये तो ऑप्शन साइक साइक करेक्ट है मुझे लगता है कि वहां पे रोंग है अब आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि बताइए हार्ड्रिक लाइम का इनिशियल और फाइनल सेट कितना होता है वॉट इज अ फाइनल इनिशियल सेट ऑफ हार्ड्रिक लाइम बताओ दो ना बताओ चलो तो मैं बता देता हूँ ठीक है ठीक है जितने भी आपके पास हार्ड लाइन होते हैं उनका इनिशियल सेट दो घंटे का होता है और जो फाइनल सेट है उसमें 48 घंटे लग जाते हैं इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं जहां ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपका 30 मिनट्स और 10 घंटे लेता है ये देखो 48 घंटे ले जाता है इसलिए पूरी तरह से मैक्सिमम केस में लाइम को ओवरले कर दिया है आपके सीमेंट ने आप मैक्सिमम केस में सीमेंट को यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल जो पहले लाइम करता था जितनी आपकी पहले मॉन्यूमेंट बने हुए हैं वो सब लाइम से बने हुए हैं तो क्योंकि उस टाइम पे खोज नहीं हो पाई थी सीमेंट की ठीक है तो दो से अड़तालीस घंटे लगते हैं तो यह जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो रॉन्ग है तो दैट इज अ रॉन्ग आंसर एंड सी इज इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है भाइयों चलिए चलते हैं मोटार की तरफ ठीक है सबसे पहले मोटार में और कॉन्क्रीट में क्या डिफरेंस होता है आपको पहले यह पता होना चाहिए ठीक है मोटार और कॉन्क्रीट में क्या डिफरेंस होता है जैसे कि आपको पता है कि जो कॉन्क्रीट है वो किस किस का मिक्सर होता है पहले वो पता सुनिए जो कॉन्क्रीट है मेरे पास जो कॉन्क्रीट है मेरे पास वो किस किस का मिक्सर होता है आप इसमें बोलोगे सर इसमें सीमेंट होगा इसमें आपके पास फाइन एग्रीगेट होगा इसमें आपका कोर्स एग्रीगेट होगा और पानी होगा ठीक है मैं एडमिशन नहीं मान रहा आपने डिफरेंट टाइप के एडमिशन यूज करे होंगे बट इट इज नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टी की आप बात करेंगे तो इसके अंदर सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट और वाटर से मिलके बनेगा इसी को हम कॉन्क्रीट बोलते हैं मोटार में इनमें से एक चीज़ नहीं होती है क्या नहीं होती यदि मैं मोर्टार की बात करूं तो मोटार में या तो सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं बाइंडिंग मटेरियल के लिए इसमें आप फाइन एग्रीगेट भी यूज़ करेंगे और इसमें आप वाटर भी यूज़ करेंगे तो इसमें कोर्स एग्रीगेट नहीं पाए जाते फाइन एग्रीगेट बेसिकली इसके अंदर हम सैंड को यूज़ करते हैं इसको यूज़ करते हैं सैंड को यूज़ करते हैं ठीक है तो दोनों में सिंपल छोटा सा अंतर है जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि मोर्टार पूछा है कॉन्क्रीट पूछा है डिफरेंस क्या है दोनों में ठीक है आसान सी भाषा में बता रहा हूं आसान भाषा है ना बिल्कुल ठीक है बात करते हैं मोर्टार मोर्टार इज अ मिक्सचर्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट लाइम एंड एग्रीगेट्स लाइक अ सैंड इन डिफाइनेट परपोर्शन हम मोर्टार जो बनाते हैं वो मिक्सचर्स होता है जिसमें फाइन एग्रीगेट ही पाए जाते हैं तो मोर्टार को हम साथ में ही बोलते हैं मोर्टार इज एंड मिक्सर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एडल्ट्रेंट ये एडल्टेंट क्या मतलब क्या होता है एडल्ट्रेंट बेसिकली सैंड होता है इसका मेन मतलब ये होता है कि एडल्ट्रेंट का मतलब सिंपल ये होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा प्योर है उसके अंदर आपने कुछ चीजें ऐड कर दी इम्प्योर चीज ऐड कर दी उसकी प्रॉपर्टीज को अनहेंस करने के लिए इसका सिंपल एग्जाम मामल ये मान लो कि मान लो मैं बहुत सीधा हूं ठीक है जो मैं नहीं हूं मान लो कि मैं बहुत सीधा हूं और मैं है ना सबका काम कर देता हूं कोई मुझसे बोलता है कि मैं सब कि भाई ये काम कर ले सबका काम कर देता हूं मैं अच्छा हूं लेकिन मुझे किसी ने गाइड करा कि भाई सबकी बात मत सुना कर तू तो अपना काम कब करेगा तो मेरे अंदर बुद्धि आ गई ऐसे क्या होता है एडल्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर्टी को अनहेंस करने के लिए आपने इसके अंदर कुछ ऐड किया जैसे जब आप मोटा बनाते हैं तो उसमें सीमेंट होगा उसमें मोटर होगा तो आपने उसमें फाइन एग्रीगेट की फॉर्म में सैंड डाल दिया जिससे क्या होगा मोटार की जो प्रॉपर्टीज है उसको अनहेंस किया जा सके उसी को हम एडल्टीरेंट के नाम से जानते हैं और मोर्टार क्या होता है मोटार यही मिक्सचर होता है कि आपने डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स को डाला जो आपके सीमेंट वाटर होंगे और साथ में आपने एडल्टीरेंट डाला जो सेंड की फॉर्म में हो ये डिफरेंट टाइप की फॉर्म में भी हो सकता है कोल हो सकता है लेकिन जब मोटा बनाते हैं तो सेंड की फॉर्म में डालते हैं ये आपको पता होना चाहिए अब बात करेंगे कि जब आप सेंड की बात ही कर रहे हैं तो गुड क्वालिटी ऑफ सेंड कौन सी होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम डिस्क्राइब करेंगे जब भी हम मोर्टार को बनाते हैं तो हम फाइन एग्रीगेट एज अ सेंड यूज करते हैं और सेंड भी ऐसी वैसी नहीं एक गुड क्वालिटी की सेंड जिसकी प्रॉपर्टीज यहां पे लिखी हुई जैसे इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक और वेजिटेटिव मैटर्स नहीं होने चाहिए जो बाद में डिकम्पोज हो सकते हैं ये इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होने चाहिए केमिकल सॉल्ट नहीं होने चाहिए जो मोशन कंटेंट को एब्सोर्व कर सके क्योंकि तो आपको पता है एक सबसे बड़ा खतरा सेंड के अंदर ये होता है इसको हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सेंट बल्किंग ऑफ सेंट तो ये जो बल्किंग ऑफ सैंड है इसको खत्म करने के लिए हमें आपके मॉइस्चर कंटेंट को कम करना पड़ेगा वरना क्या होगा ये बल्किंग करेगा और एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगा ठीक है दूसरा होता है इट शुड बी केमिकली इनर्ट मतलब सिंपल सी बात ये है कि जितने आप पाइंडिंग मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं सैंड उनसे कोई रिएक्शन नहीं करता है सैंड हमेशा रहेगा जम जाएगा सैंड लेकिन इट इज इनर्ट गैस इनर्ट गैस नहीं बोल सकते इनर्ट मटेरियल्स बोल सकते हैं इनर्ट ही रहेगा ये कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेगा दूसरा वेल ग्रेडेड रहे सैंड के अंदर सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो छोटे-मोटे सब कुछ वो सब प्रेजेंट होने के बाद ये वेल well ग्रेड की फॉर्म में पाया जाएगा अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सैंड इन द मोटार ये जो मोटार है इसके अंदर सैंड करता क्या है सैंड किसके अंदर बेसिकली सिंपल uh, सी बात ध्यान रखेंगे कान खोल के कि मोर्टार के अंदर सैंड कभी भी इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकता ठीक है इट इज नॉट गिव द एनी स्ट्रेंथ ये आपको कोई स्ट्रेंथ नहीं देता है सैंड बस इसकी प्रॉपर्टीज को अनहेंस कर सकता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोर्टार के अंदर ज्यादा सैंड यूज कर लेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्या ना सैंड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये आपके मोर्टार के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे कोई हवा का झोंका उसको उड़ा के ना ले जाए इसलिए वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं जैसे ही आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं तो उससे मेन काम यह होता है कि भैया सीमेंट की कंपैरिजन में आपका जो सैंड है वो सस्ता आता है तो जितना आपने उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया आपकी बिल्डिंग की बिल्डिंग बन गई और आपकी कॉस्ट बच जाएगी एक तो ये तरीका है दूसरा ये होता है कि जैसे ही आपने सैंड को यूज करा तो उससे आपके पास क्या होगा जो डिफरेंट टाइप के पोर्स बनेंगे उनको भरा जा सकता है छोटे पोर्स के अंदर बड़े पोर्स के अंदर सबको फिल करेंगे तो एक कंबाइंड एक्शन आपको पेस्ट का मिलेगा इसलिए हम सैंड को यूज करते हैं तो ये स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है पर कोई आपसे बोले कि क्या मोटार के अंदर सैंड स्ट्रेंथ देता है तो आप ये बोलोगे कि इट इज नॉट गिव द एनी स्ट्रेंथ बट इट इज एडजस्ट द स्ट्रेंथ ये आपकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकता है पर कोई स्ट्रेंथ नहीं देगा बात करते हैं सरफेस एरिया भाई सैंड सब डिवाइड करता है पेस्ट बाइंडिंग मटेरियल्स को उसकी वजह से आपका जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करने का काम करेगा वैसे सीमेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसमें आप बाइंडिंग मटेरियल की तरह तो यूज कर रहे हैं तो सैंड सबके पार्टिकल्स को चिपका लेगा उसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म रहेगी दूसरा जब आपने अपने सीमेंट को यूज किया तो सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो थी लेकिन जैसे ही पानी को आपने इसके अंदर डाला तो इसके अंदर एक हाई हीट डेवलप होगी जो बहुत सारे क्रैक बना सकती है इसलिए हम सैंड को डाल देते हैं जो शेंकेज को होने से रोक देते हैं जहां पे सीमेंट सीमेंट सि होता है वहां पे पोसोना डाल देते हैं आप पूरा बना रहे हैं मोटर तो मान लो कि पोजलोन आपके पास नहीं है तो इस केस में आप सेंड डाल देंगे तो सैंड क्या करेगा इसके शेंकेज को रोक देगा ठीक है क्या हमारे पास तो क्या है दिस इज द कंडीशन यहां पे आपके पास क्या होगा जो श्रिंकेज है उसको रोका जा सके सेटिंग के टाइम पे क्वालिटीज ऑफ गुड मोटर्स क्या होता है नॉट इफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी जब भी आप मोटर को बना रहे हैं तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी के साथ कोई छेड़खानी ना की गई हो वो एक डिजाइन स्ट्रेस को झेल सके उसके अंदर पानी के पैनिट्रेशन को रजिस्ट किया जा सके डीप हो ड्रेबल्स हो ईजली उसको यूज किया जा सके और वर्कैबिलिटी काफी ज्यादा हो ठीक है मतलब उसको ईजिली प्लेस करने में ले जाने में लाने में कोई दिक्कत ना हो इन सब को यूज किया जाता है उसी को हम गुड क्वालिटी ऑफ मोटार के नाम से जानते हैं ठीक है अब बात करेंगे जब आप मोर्टार की बात करते हैं तो उसमें सीमेंट मोर्टार की बात की जाती है बेसिकली मतलब आपने यहाँ पे सैंड और सीमेंट के प्रपोर्शन की बात की गई होगी क्योंकि वाटर तो वाटर तो है वाटर का तो प्रपोर्शन ऐसे एग्जैक्टली देखते नहीं है बेसिकली जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या है सीमेंट है और आपका सैंड है उनका प्रपोर्शन डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग पाया जाता है जैसे पॉइंटिंग बॉक्स के केस में कितना होगा जैसे डैम प्रूफिंग कोर्स के लिए कितना होगा कॉन्क्रीट पेमेंट के लिए कितना होगा प्लास्टिंग के लिए कितना होगा मैशनरी सुपर स्ट्रक्चर कितना होगा मैशनरी फाउंडेशन के लिए कितना होगा ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ब्रो ध्यान रखना इस बात को जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए ध्यान से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एग्जाम में जैसे यहाँ पे परपोर्शन पॉइंटिंग वर्क के लिए वन रेशो वन है इन द केस ऑफ डी डीपीसी पी वन रेशो टू पे काम कर रहा है पियरिंग टीयर केस में इन द कॉन्क्रीट पेमेंट वन रेशो टू प्लास्टिंग केस में वन रेशो थ्री नेशनरी सुपर स्ट्रक्चर वन रेशो थ्री और इन द केस ऑफ सीमेंट मोटर वन रेशो सिक्स पे काम करता है एग्जाम में ये भी आया था एक बार ध्यान रखेंगे इस चीज को तो ये जो परपोर्शन है ये आपको पता होना चाहिए मैक्सिम केस में वन रेशो थ्री है जो अलग है वो आपको याद होना चाहिए ठीक है गुड गुड इवनिंग इवनिंग मेरी भाषा समय में आ रही है सभी को मजा तो आ रहा है ना और मजा आएगा सुनिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल्स अब क्या है कि सिर्फ बाइंडिंग मटेरियल के पर्पज पे आप एक मोटर बनाएंगे जिसमें सीमेंट यूज किया आपने तो वहां से सीमेंट मोटर बनेगा लेकिन आपको पता है कि जो सीमेंट है वो सिर्फ बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं देता है और भी मटेरियल्स हैं जो आपकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज दे सकते हैं जैसे यदि आपने बाइंडिंग के लिए लाइम को यूज कराए तो लाइम मोर्टर बन जाएगा सीमेंट यूज करे तो सीमेंट मोर्जा बन जाएगा मतलब लाइम प्लस सीमेंट दोनों यूज करें लाइम और सीमेंट दोनों यूज करें तो वहां से गेज मोर्टार बन जाएगा और यदि आपने जिप्सम यूज करा तो जिप्सम मोर्टार बन जाएगा बात करते हैं लाइम मोर्टार के बारे में तो लाइम मोर्टार मोटर हाई प्लास्टिसिटी एंड इट कैन बी प्लेस ईसली इसकी प्लास्टिसिटी काफी ज्यादा हाई होती है और इसको हम ईजली यूज कर सकते हैं ये काफी कम शिंक करता है इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं लेकिन ये काफी देर में जमेगा इसलिए हम इसको बेसिकली यूज नहीं करते हैं आपकी सुपर स्ट्रक्चर के केस में क्योंकि तो ये बहुत दिन में जमता है आधा घंटे इसका फाइनल टाइम है तो बहुत देर लगी इसको इसलिए हम इसको छोटे मोटे वर्क के लिए लाइट लोडेड वर्क के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं उसका होता है सीमेंट मोटार सीमेंट मोटर की यदि आप बात करते हो तो सीमेंट और सैंड का जो प्रपोर्शन है वो वन रेशो टू से लेके वन पॉइंट वन रेशो सिक्स के बीच में यूज़ किया जाता है आपने मोटर के अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल्स है वो सीमेंट को यूज़ किया और आजकल सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जा रहा है तो इसको हम वाटर रजिस्टिंग प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं ठीक है अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं कहीं पे वाटर सैचुरेट सोयल है तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि तो बाद में जब एक बार जम जाएगा तो वाटर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर ये बना के आपको दे देगा फिर बात करते हैं गेज मोटार्स अब देखो क्या है कि आपको पता है कि लाइम के अंदर प्लास्टिटी ज्यादा होती है लेकिन वो जमता बहुत लेट में है सीमेंट बहुत जल्दी जमेगा लेकिन क्रैक बनाएगा हम तो क्या करते हैं हम एक प्रपोर्शन में लाइम और सीमेंट दोनों को यूज कर लेते हैं और साथ में आपका वोटर भी यूज कर लेते हैं साथ में आपका वोटर भी यूज कर लेते हैं इन सब का जो मिक्सचर्स है वो हम बनाते हैं उसी को हम गेज मोर्टार के नाम से जानते हैं परपोर्शन यहां पे लिखा हुआ है जो सीमेंट और लाइम का परपोर्शन यहां पे लिखा हुआ है वन रेशो सिक्स से लेकर वन रेशो एट के बीच में पाया जाता है इसी का एक दूसरा नाम भी होता है इसको बोलते हैं कंपोजिट मोटर क्योंकि ये

वही आपका जिप्सम मोर्टार बनता है जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज देगा ठीक है बहुत ज्यादा यूज में नहीं है लेकिन यदि कोई और ऑप्शन नहीं है तो जिप्सम से भी हम आपके पास मोर्टार सकता है यह है आपके लिए स्पेशल टॉपिक जहां से आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ठीक है ये पास स्पेशल टॉपिक्स वैसे तो मोर्टार से क्वेश्चन नहीं बने ऐसे में लेकिन ध्यान रखो बालकन कि भाई अब बन रहे हैं क्वेश्चंस तो घुमा घुमा के पूछ रहा है तो मैंने जब स्टैंडर्ड बुक खोल के देखी मैं रंग वाला से पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है ये आपकी स्टैंड बुक है उसी के कॉन्टेंट को फॉलो कर रहा हूं ठीक है तो वहां पर ये दिया हुआ था तो इनको पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कुछ ना कुछ बात करते हैं यदि हम डिफरेंट टाइप के मोटार्स को उनके पर्पस के बेसिस पे यूज करें कि कहां कहां पे इसको यूज कर सकते हैं उनकी कैटेस्टिक क्या है तो हम इसको बेसिकली पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं जैसे फायर रेजिस्टेंट मोटार लाइट वेट मोटार्स पैकिंग मोटार्स साउंड एब्जो मोटार्स और एक्सरे शील्डिंग वैसे आपको नाम से पता चल गया कि ये फायर को रोकेगा इसका वेट काफी कम होगा मतलब इसमें जो आपने पार्टिकल्स को यूज करेंगे उसकी डेंसिटी कम होगी फिर पैकिंग मोटर्स मतलब इसके अंदर वर्ड्स ना के बराबर होंगे कोई क्रैक नहीं बन सकते वहां पे आप पैक कर रहे हैं जैसे आपको कहीं पे ऑयल भरना है तो ऑयल भरने के लिए आपको एक ऐसा मोटर बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल भी क्रैक ना बनाए उसके अंदर बिल्कुल भी पोर्स ना हो साउंड एब्जॉर्बिंग करें एक्सरे सिल्डिंग जो एक्सरे एक्सरे को रोके एक हाई एक्सरे रेट आएगा तो वहां पे क्रैक बन सकते हैं इसलिए हम एक्सरे मोटर को रखते हैं मान लो कि बिल्डिंग में आपका एक्सरे वाला काम हो रहा है अल्ट्रासाउंड वाला काम हो रहा है तो वो आपकी रेस अफेक्ट करेगी आपको इसलिए वहां पे इस टाइप की मोटर को यूज करेंगे जो रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी या पैनट्रेट नहीं होने देगी चलिए बात करते हैं फायर एस्टेंट मोटर के बारे में फायर एस्टेंट जो मोटर है वो मिलकर बना होता है एलुमिनियस कंपाउंड और साथ में आपके पास क्या होगी फायर ब्रिक फायर ब्रिक इन दोनों को हम यूज करते हैं इनका जो परपोर्शन है वो वन रेसो टू का यूज किया जाता है पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे ये मोटार्स को जब आप यूज करते हैं मतलब क्या हुआ कि आपने बाइंडिंग मटेरियल्स में सीमेंट तो यूज किया साथ में आपने जो फायर ब्रिक्स होती हैं जो फायर को रोक सकती हैं जिनको हम बोलते हैं कि इनकी रिफेक्ट्री प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होती है उनको आपने ग्राइंडिंग किया उसमें एलुमिना को ऐड किया और फिर मोर्टार को बनाया यदि आप उस मोर्टार को बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फायर रेजिस्टेंट मोटर और ये फायर एस्टेंट मोटर आपकी लाइनिंग ऑफ फर्नेस के केस में यूज की जाती है फायर प्लेसेस में यूज की जाती है ओवंस में यूज की जाती है ओवंस की जो कोटिंग होती है वो भी इसी मोटर का बना होता है ये आपको ध्यान रखना है इसलिए हम इसको फायर मोटर के नाम से जानते हैं दूसरा होता है लाइट वेट मोटर लाइट वेट मोटर वो होगा कि भाई आपने इसके अंदर कुछ मटेरियल्स को ऐसा डाल दिया जिसका डेंसिटी काफी कम था जैसे सॉ डस्ट डाल दिया आपने वुड पाउडर डाल दिया लकड़ी का चूरा डाल दिया ठीक है इसमें हमने यूज कर लिया तो उससे क्या होगा

कि सीमेंट सैंड आपने यूज किया उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसकी स्ट्रेंथ क्या है ड्रेबिलिटी क्या है वो एक प्रॉपर वे में नहीं बताया गया लेकिन बताया गया ये कि यदि आप पैकिंग मोटर्स यूज कर रहे हैं तो वो आप सीमेंट सैंड से बना सकते हैं सीमेंट लोम लोम मतलब इसमें आपके सैंड का सिल्ट का क्ले का सबका बदला लेगा तेरा फेजल सिल्ट और क्ले इन सबके मिक्सचर्स को यूज किया जाता है ठीक है या सीमेंट सैंड लोम को यूज करते हैं जो विट्रीफाइड कर देता है जैसे आपने नाम सुना होगा विट्रीफाइड तो क्या करता है उसके अंदर बिल्कुल भी पोर्स नहीं बनते ठीक है उसके अंदर पोर्स नहीं बनेंगे इसलिए हम इसको यूज करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसलिए हम इसको पैकिंग मोटर्स बोलते हैं बात करते हैं साउंड एब्जोर्विंग मोटर्स साउंड एब्जोर्विंग मोटर्स वो मोटर्स होते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे कंपोजिशंस को डाल देंगे जो आपकी साउंड को बाहर नहीं जाने देंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा जैसे फ्लैग पोर्टलैंड सीमेंट को आप यूज कर लीजिए प्यूमाइस को यूज कर लीजिए सिलेंडर को यूज कर लीजिए और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो 600 से लेकर 1200 हंड्रेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब की पाई जाती है फिर हम बात करेंगे एक्सरे सील्डिंग ये काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम में आ चुका है एग्जाम में आ चुका है ठीक है एक्सरे सील्डिंग का मतलब क्या होगा इसमें आपने जो प्लास्टिंग कोट की है वो एक ऐसे कंपाउंड की की है जो आपके एक्सरेज को पेनिट्रेट नहीं होने दे रहा है तो इसलिए हमें आपके सीमेंट मोर्टार्स के अंदर जो उसकी डेंसिटी है उसको इंक्रीज करना पड़ता है वैसे तो आपको पता है 600 से 1200 के बीच में है लेकिन यदि आपको एक्सरे को रोकना है तो आप एक मोटी पथ बनाएंगे और जो डेंसिटी ऑफ मोर्टार है उसको काफी इंक्रीज करेंगे वो कितना होता है पास वो वो आपका बाईस किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है जो एक हैवी रोक मास से निकाल के लाते हैं जिससे क्या हो उससे जैसे एक्सरे टकराएगा वापस आ जाएगा ठीक है बाहर नहीं जा पाएगा इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सरे कंडीशन ठीक है तो ये आपके पास एक्सरे सेल्डिंग मोटार्स होती है जो कहीं और नहीं जाएगी जैसे क्या है मान लो कि आप भाभा में काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है वेस्ट को को समुद्र के अंदर डाल देते हैं तो साथ में क्या करते हैं साथ में पूरा चैम्बा बनाते हैं जिसमें एक्सरे सेल्डिंग होती है इसमें जो आपने डाला हुआ है बहुत सारा यूरेनियम जो भी है आपके पास एक्सरे वाला पार्ट उसके अंदर उसको डंप कर देंगे उसको बंद कर देंगे तो उससे क्या होता है बाहर निकलती है एक्सरे इसलिए हम इसको एक्सरे सिल्डिंग के अंदर यूज करते हैं बेसिकली आपको सिर्फ पूछा जाएगा वो पूछाएगा कि भैया डेंसिटी क्या होती है और कहाँ पे इसको यूज करते हैं दैट इज कंडीशन जहां पे एक्सरे का पेनिट्रेशन नहीं चाहते हैं वहां पे इसको यूज कर सकते हैं चलिए क्वेश्चन करिए अच्छा सा बहुत सुन ली कहानी है आपने एक क्वेश्चन करेंगे सर एस के डुगर और रंगवाला में बैटर कौन सा है बी के लिए बी के लिए आप पूछेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए तो आपका रंगवाला अच्छी है और यदि आप बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस पार्ट के लिए तो एसके के अच्छा है कंस्ट्रक्शन पार्ट के लिए ठीक है लेकिन मटेरियल्स के लिए तो रंग वाला सबसे बेस्ट है और आपको क्या दिक्कत है उसकी यार मैं तो आपको सब कुछ दे रहा हूँ ना यहाँ पे दस बुक अच्छे से पढ़ने से अच्छा है कि एक जगह पढ़ लो आप उसको बार बार रिवाइज कर लो ठीक है क्योंकि बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी पढ़ नहीं पाओगे आप चलिए सैंड इन सीमेंट मोर्टार इज यूज फॉर द फॉलोइंग परपज रिड्यूज द श्रिंकेज इंक्रीज द स्ट्रेंथ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट डिक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल्स बताइए जो तो आपका सैंड यूज किया जाता है सीमेंट मोटार के अंदर जो आप सैंड को यूज करेंगे जो आप सैंड को यूज करेंगे सीमेंट मोटार के अंदर उसका मेन पर्पस क्या है सीमेंट मोटार के अंदर उसका मेन पर्पस क्या है आंसर क्या है इसका ये बता रहे हैं सैंडी देखो मेरे पास सीमेंट है और मेरे पास सैंड है स्पेस सर्फेस एरिया किसका ज्यादा होगा स्पेसिफिक सरफ़ेस एरिया किसका ज्यादा होगा जल्दी से बताइए में रुकेंगे कितने आप आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा मट सीमंट सीमंट ठीक है चलो मेरी तो आवाज आ रही है ठीक है ठीक है ठीक पता नहीं क्या हो गया इसमें छोड़ो देखो सीमेंट का जो स्पेस सर्विस एरिया होता है वो ज्यादा होता है यदि आप इसमें सैंड को ऐड करें तो आप अपने स्पेस सरफेस एरिया को कम कर रहे हैं क्यों कम कर रहे हैं उसका मेन काम यही होता है कि यदि आपका स्पेस सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका हाइड्रेशन का रेट बढ़ेगा और उसके वजह से शेंकेज बन सकते हैं इसलिए हम आपके पास क्या करते हैं सैंड को डाल देते हैं जिससे कि आपका शेंकेज कम हो मोर्टार के अंदर क्योंकि सीमेंट तो आपने पहले डाला हुआ है और वो हार्ड्रेशन करेगा और शेंकेज बनाएगा इसलिए आपने उसके इस अंदर क्या किया सैंड को डाल दिया और सैंड को डालने से क्या होगा उसका स्पेसिफिक सर्फेस एरिया कम हो जाएगा तो आपका जो ये थर्ड स्टेटमेंट जो आपका ये डिक्रीज इन द तो सर्फेस एरिया तो बाइंडिंग मटेरियल्स लिखा हुआ है तो सही लिखा हुआ है फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट ठीक है बात कर लेते हैं रिड्यूज द शेंकेज बिल्कुल सही बात है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ये आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता है

ये इसकी प्रॉपर्टी को अनहेंस करेगा ठीक है लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सीमेंट की क्वांटिटी को आप कम कर देंगे इसमें सीमेंट की क्वांटिटी को आप कम कर देंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते तो ये जो डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम इसको नहीं बोल सकते तो आंसर क्या है मेरे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे वन एंड फोर वन एंड फोर आर करेक्ट इनक्रीज एक्सटेंड वन एंड फोर तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है अभी एग्जाम में आया हुआ है वन एंड फोर आर करेक्ट बट फोर्थ ऑप्शन इज नॉट मैस्ड ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा ऑप्शन लेकिन ध्यान रखेंगे आंसर क्या आपके पास वन एंड फोर्थ होगा वन एंड फोर्थ आर करेक्ट वन एंड फोर्थ आर करेक्ट ये बात आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है भाई यो कोई दिक्कत परेशानी तो उसमें बताइए कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में प्रॉपर्टीज लिखी हुई है क्या क्या होती है जो आप पढ़ लेना इसको और इसके साथ आपका जो सैंड और इसके साथ आपका जो लाइम और मोटर वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया कल हम जो करेंगे वो ब्रिक एंड ब्रिक मैशनरी करेंगे ठीक है कल की क्लास के अंदर हम ब्रिक एंड ब्रिक मैशनरी का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे और इसमें कोई आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं सारा कंटेंट आपको मिल चुका है मैंने इसका लाइम और मोटा वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन से अंदर लिख देना मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी जो पी है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल अवनीश शर्मा पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करके ले सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं अवनीश शर्मा का टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ठीक है भाइयों मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर तब तक के लिए बाय और सिंपल सी बात है आज बता रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि इसके जो प्राइस है वो कल इंक्रीज हो जाएंगे जिन बच्चों को लगता है कि हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है क्लास के अंदर यहाँ पे तो एक घंटे क्लास हो पाती है वहां पे चार से पांच घंटे क्लास हो रही है और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा तो आप हमसे ज्यादा पढ़ सकते हैं अभी आज आजकल इसका प्राइस वन ट्रिपल नाइन है फिर इसका प्राइस टू फोर नाइन वन हो जाएगा आप इसको देख सकते हैं ठीक है मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद